देखिए अखिलेश जी लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए उससे 14 हारे 19 हारे 17 हारे और 22 हारे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चार चार चुनाव लगातार हारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के लायक नहीं। अखिलेश यादव जी कमेटी तो भंग कर रहे हैं, लेकिन पहले अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़े और सगुनी जो चाचा है उनके वो कब तक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बने रहेंगे, पहले उनसे तो मुक्ति पाए। वो जीवन भर आज 25-30 साल से जब से समाजवादी पार्टी तब से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बने हुए हैं तो उनसे मुक्ति क्यों नहीं पा रहे अखिलेश जी, पहले उनसे मुक्ति पा लेंगे तो समाजवादी पार्टी को सुधार लेगा और सोच अखिलेश जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों के पीछे रामगोपाल यादव जी का हाथ है? बिल्कुल पूरा रामगोपाल शकुनी जब तक रहेंगे तब तक अखिलेश जी कभी कोई चुनाव जीवन में नहीं जीत पाएंगे, ये हमारी बात गांठ बांध लेना, नोट कर लेना। और अखिलेश जी कुछ भी अब कर लें, अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है, अब याद आ रही है पिछड़ों की और गैर आदमियों की, अभी तक कहां चले गए थे। और फिर जहां तक परिवारवाद की बात है तो अखिलेश यादव जी ने तो परिवार ही खत्म कर दिया अपना पूरा, नेताजी को ठिकाने लगा दिया, तिब्बल सिंह को ठिकाने लगा दिया और आजमगढ़ में धर्मेंद्र को ले जाके उन्हें ठिकाने लगा दिया। तो अब याद आ रही है अखिलेश जी का परिवार तो उन्होंने ठिकाने लगा ही दिया, पार्टी भी अब ठिकाने और समाज में उन्होंने ठिकाने लगा दिया। तो अखिलेश जी पहले अपने शकुनी चाचा को देखे जो प्रमुख सचिव राष्ट्रीय महासचिव बने हुए हैं, पहले उनसे मुक्ति पा ले तब पार्टी की बात सुनिए। हरिओम यादव जी, लेकिन एक वक्त वो भी था जब मुलायम सिंह यादव थे और पार्टी की कमान पूरी तरीके से उनके हाथों में थी, तब शिवपाल यादव साथ थे, आप भी साथ थे और जो उनके खुद के करीबी थे, अभी आजम खान से भी हम देख रहे हैं कि तनातनी लगातार बनी रहती है, तो क्या ये अंदर खाने से क्या लगता है आपको, क्या उस तरीके की चीजें या फिर सही तरीके से नहीं पहुंचाई जा रही है अखिलेश यादव जी तक, या फिर वो खुद सुनना नहीं चाहते हैं लोगों की? देखिए कई चीजें हैं, अखिलेश जी सुनना भी नहीं चाहते और मुलायम सिंह यादव जी ने जो लोग जन्नाधार वाले लोग जेड़ थे उनको अखिलेश जी ने शकुनी के कहने से काटना शुरू कर दिया। शिवपाल सिंह जी संगठन के व्यक्ति थे, पार्टी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका थी, उनको भी शकुनी के कहने से अखिलेश जी ने किनारे कर दिया। तो जब शकुनी ही की चलेगी, प्रोफेसर रामपाल जैसे शकुनी जिन्होंने महाभारत में दोनों पक्षों को नष्ट करा दिया, तो अब शकुनी ने तय कर लिया कि अखिलेश जी के परिवार को, पार्टी को और समाज को नष्ट करके अखिलेश जी को चेन लेने देंगे। तो पहले अखिलेश जी अपने चाचा शकुनी को पार्टी के पदों से हटाए तब मानी जाएगी कि असली कार्यकारिणी गठित होगी, न तो ये समझ लिए कि नई बोतल में पुरानी शराब। ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हरिओम यादव जी, आप बने रहेगा। अमित जमई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जमई साहब, अब मैं आपके पास आती